इशारा था कहते कहीं का प्रेशर आता था क्या मस्जिद को डैमेज कर रहा प्रेशर भाई चार इंच की लगा के कंक्रीट वाल डाल दिए दुनिया का गल निकला नीचे कंगर का एक बेस बना के अरे ये वीड क्यों कम कर रहे हैं जी तुम इतनी बड़ी कई को कम कई को कर रहे हैं क्यों कर पड़ रहा केमिकल मिला के जरा भी लीकेज नहीं आता पानी का ये जो रोकना बुलाओ लोगों को अब हम लोगों का इसमें किसी किस्म का वो नहीं है कि जो है वर्क ऑर्डर जिसको तरीके से दिया बनाओ वही बोले तो बोल की बोले हम खराब हो रहा था पूरे एरिया पूरा मोम पिघले था पिघल जाता जरा भी होल पड़ा था बिल्कुल ब्रिक पिघलते चले आता क्या 5-10 बरस रहने का हाउस है क्या खाली है 400 ईयर्स का है फिर ब्रिक की वाल लगा दे रहे कौन खदा है तुम्हारा इंजीनियर वो आज ये मक्का मस्जिद के अंदर मैं मक्का का दौरा किया जो हाउस का जो कंस्ट्रक्शन हो रहा जब मुझे मालूम हुआ कि हाउस का कंस्ट्रक्शन देखना ज़रूरी है जब मैं आके देखा तो मेरे को बड़ी हैरत हुई कि ये इंजीनियर डिज़ाइन देके काम करा रहे हैं इंजीनियर उसको भी शर्म आना चाहिए इस तरीके से काम कराने के लिए जिस तरीके से मट्टी के ब्रिक्स के जरिए काम किया जा रहा ये मट्टी के ब्रिक्स 2-4-5 साल में बिल्कुल मोम की वजह से पिघल जाते और हाउस की जो चौड़ाई है उसको काफ़ी 4-4 फीट दीवारें ईंट की दीवारें लगाकर कम कर दिया जा रहा है ये बिल्कुल गैरवाजबी काम है ये ज़रूरी नहीं है ये काम को रुकवाने के लिए बोले जो भी कंसर्न इंजीनियर है अभी कंट्रैक्टर से बात किए कंट्रैक्टर से बोले कि जो भी तुम्हारा कंसर्न इंजीनियर उसे बुलाइए उसे डिस्कस करेंगे इस बात से कि आजकल एडवांस टेक्नोलॉजी है मुझे भी काफ़ी कंस्ट्रक्शन का तजुर्बा है अगर साइड से 4 इंच की अगर कंक्रीट वाल अगर लगा देंगे तो 1 इंच पानी एक सिंगल ड्रॉप पानी भी कम नहीं होता उसके अंदर वाटर प्रूफ केमिकल्स निकले केमिकल्स मिला के लगाए तो अच्छा रहता जिससे जिस तरीके से यह काम हो रहा जिसकी वजह से हाउस की खूबसूरती भी ख़त्म हो जा रही तो मेरी यही जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट है उनके लोगों से मेरी यही गुजारिश है इंशाल्लाह ताला मैं कंसर्न डिपार्टमेंट के लोगों से बात करूँगा अभी गुत्तेदार को बुला के जो इंजीनियर है उसे भी बुलाइए ये काम जब तक रोकिए ये काम बिल्कुल गलत तरीके से काम हो रहा है जिसकी वजह से मस्जिद की भी खूबसूरती ख़राब हो रही हाउस की भी खूबसूरती ख़राब हो रही और हज़ारों लोग जब नमाज जुमा में ईदन के वक़्त हज़ारों लोग आके यहाँ पर नमाज अदा करते हाउस की वृद्ध कम होने से पानी की मकदार भी कम होंगी खैर पानी की मकदार कम होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा मगर जिस तरीके से कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है ये कंस्ट्रक्शन का तरीक़ेकार नहीं है बिल्कुल ये गलत तरीके से कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है तो मेरी यही गुत्तेदार साहब से मैं बोला कि आपके कंसर्न इंजीनियर को लाइए मैं कंसर्न डिपार्टमेंट के जो लोग हैं मैं उनको भी बुलवा के इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जब भी वो लोग टाइम देंगे फिर एक मरतबा इंस्पेक्शन करके पूरी तफसील बोल के सही तरीके से उसका काम